नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको योगा और सोराइसिस के रिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। भारत होम्योपैथी में जब सोराइसिस के पेशेंट्स आते हैं तो उनका ये एक बहुत कॉमन सवाल है, सर हमें कुछ एक्सरसाइजेस बता दीजिए, सर हमें कुछ ऐसे योगा बता दीजिए जिसकी मदद से हम सोराइसिस को ठीक कर पाएं या हमारा सोराइसिस जल्दी हील हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको योगा का महत्व भी बताऊंगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सोराइसिस में योगा क्या डायरेक्टली आपके सोराइसिस को ठीक करता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। योगा और सोराइसिस का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन यही योगा आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफी हेल्पफुल होता है। और जब आप योगा डेली बेसिस पर करते हैं तो आप देखते हैं आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। और आपको ये पता है कि योगा अगर आप कर रहे हैं और आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं तो आपका सोराइसिस खुद ब खुद ठीक होगा। क्योंकि अगर आप सोराइसिस का स्ट्रेस लेते हैं या किसी और बात का स्ट्रेस लेते हैं ड्यूरिंग योर सोराइसिस पीरियड, जब आपको सोराइसिस है और उस टाइम अगर आप किसी भी बात का स्ट्रेस लेते हैं तो आपका सोराइसिस ट्रिगर हो जाता है और वो एग्रीवेट हो जाता है और ज्यादा फैल जाता है। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जो सोराइसिस को और ज्यादा बढ़ा देता है। और जब आप ऐसे में योगा करते हैं तो योगा आपको मन की शांति भी देता है और साथ ही आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है। तो योगा करने का पहला इनडायरेक्टली फायदा आपको सोराइसिस में यही मिलता है कि ये आपको स्ट्रेस फ्री करता है। दूसरा, योगा करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि ये आपके जो पैचेस पर हल्की हल्की सी इन्फ्लेमेशन होती है, जो हल्की हल्की सी सूजन होती है, उसको रिड्यूस कर देता है। क्योंकि जब आप योगा करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से ये आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और जब आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है तो इससे क्या होता है, आपके सोराइसिस के पैचेस खुद ब खुद कम होने लग जाते हैं। वहीं तीसरा, योगा का फायदा यह रहता है कि यह आपकी बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है। जब आपके शरीर में फ्लूइड का बैलेंस बना रहता है, वो एक मैनेज्ड अमाउंट में रहता है, तो इससे क्या होता है, आपको जो सोराइसिस के पैचेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको ऐसा नजर नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे खुद कम होने लगेंगे। आपको योगा करने का फायदा खुद ब खुद एक दो हफ्ते में दिखने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि योगा के फायदे तो आपको पता चल गए, लेकिन अब आप कौन सी योगा करें? तो सबसे पहले आप अर्ली मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा, आप एक्टिव महसूस करेंगे, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपको जो इन्फ्लेमेशन सोराइसिस पैचेस में देखने को मिल रही है वो नहीं देखने को मिलेगी, साथ ही आपको जो इरिटेशन होती है वो नहीं देखने को मिलेगी। और जब आप अर्ली मॉर्निंग में योगा करेंगे तो आपको विटामिन डी की भी फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि जो मॉर्निंग सनलाइट होती है वो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो आपकी स्किन को फायदा देती है। विटामिन डी मिलता है उसमें एक अच्छी अमाउंट में, जो सोराइसिस पेशेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन से लेकर आपके मेटाबॉलिज्म से लेकर आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफ़ी अच्छा रखने में मदद करता है। और जब आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो आपके सोराइसिस के जो पैचेस हैं वो धीरे धीरे खुद कम हो जाएंगे। दूसरा आसन जो सोराइसिस पेशेंट कर सकते हैं वो है मुद्रा आसन। मुद्रा आसन करने के फायदों की बात करें तो सबसे पहले ये आपकी बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखता है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, साथ ही आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में काफ़ी अच्छी अमाउंट में ये मदद करता है, और साथ ही ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो ऐसे में ये आसन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये साथ ही आपकी इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉब्लम है सोराइसिस के पैचेस में, जो आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, इचिंगनेस देखने को मिलती है, उसको कम करने में भी काफ़ी मदद करता है। तो ये आसन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगले आसनों की बात करें तो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दो ऐसे आसन हैं जिन्हें आप करेंगे डेली बेसिस पर तो आप स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। वहीं और आसनों की बात करें तो आप अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये दो ऐसे आसन हैं जिन्हें आप अगर डेली बेसिस पर करते हैं तो ये आपको स्ट्रेस फ्री रखते हैं, साथ ही आपको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप हेल्दी महसूस करते हैं। और जब आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं तो इसका सीधा सा रिलेशन है, जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आपका सोराइसिस एग्रीवेट नहीं हो पाता। क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा होता जो आपके सोराइसिस को एग्रीवेट कर दे।
तो ऐसे में आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और वहीं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दो आसन बताए हैं, एक सूर्य नमस्कार और मुद्रा आसन, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आप इन्हें डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक जरूर करें। और आप देखेंगे जब आप इन्हें डेली बेसिस पर कर रहे हैं और एक अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आप इन एक्सरसाइजेस के साथ, इन योगास के साथ कुछ और भी कर सकते हैं जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। जैसे सपोज अगर आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है तो आप वॉकिंग करें। वॉकिंग भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो इससे भी आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और साथ ही अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं, ये भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। साथ ही आप टेंशन फ्री रहते हैं और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी सही अमाउंट में बाहर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और एक सही मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देना है या जारी रखना है। तो अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आप अपनी स्किन पर इन रेड पैचेस से, पिंकिश पैचेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको इनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इनमें हल्की हल्की जो सूजन है उससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, आपको बाहर निकलने में शर्म आती है, आप बहुत सारी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं जो शायद मैं ऑन स्क्रीन आपके आगे बोल भी नहीं रहा हूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप सिंपली उन पैचेस की फोटोज क्लिक करके नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्योंकि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है, इसे सही इलाज के साथ ठीक किया जा सकता है, इसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो देर बिल्कुल ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर अपनी फोटो शेयर करें या फिर आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।